बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिश्तियाँ। इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज व्हिच विल फैसिलिटेट यू पीपल इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक पीपीएससी, एफपीएससी and all types of entry tests like MDCAT, ECAT, NAMS, NUST, etc. So, first MCQ is, which one is temperature independent, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस पे टम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होगा? तो आपके जहन में होना चाहिए कि जो टम्परेचर है इसका इफ़ेक्ट वॉल्यूम पे होता है, मास पे नहीं होता। अब ये जो मोलर सॉल्यूशंस होते हैं, तो मोलर सॉल्यूशंस में चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ वॉल्यूम को हम कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ये मोलर सॉल्यूशन पे वॉल्यूम का इफ़ेक्ट होता है। ये जो मोल फ्रैक्शन है ये एक रेशियो होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, और मोल्स जो हैं वो गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास होता है। तो लिहाजा मोल का जो मोल फ्रैक्शन का जो रिलेशन है वो मास के साथ है, और मास पर टम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होता। ये 10% वेट बाई वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी टम्परेचर का इफ़ेक्ट होगा। लिहाजा इन ऑप्शन में से ये जो मोल फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है इस पर टम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं होगा, दिस विल बी टम्परेचर इंडिपेंडेंट। So here B option is correct. Next MCQ, select the pair of liquids which are partially miscible. एक दूसरे में थोड़े थोड़े वो miscible हैं, तो यहाँ पर आपने इनकी nature को देखना, like dissolve, like वाला जो rule है वो भी आपके सामने, polar polar में dissolve होते हैं, non-polar non-polar में होते हैं। benzene और toluene दोनों एक दूसरे में सेम नेचर की वजह से मिसिबल हैं। एथानॉल वाटर आपस में पोलर होने की वजह से आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये भी मिसिबल हैं। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, ये तो प्रैक्टिकली इमिसिबल हैं। एनिलीन और हेक्सेन जो हैं ये एक दूसरे में पार्शली मिसिबल हैं, तो ये आपको इनका पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, फोर ऑप्शन आर गिवन। यहाँ पर मैंने हिंट में लिखा है कि वाटर की जो मोलैरिटी है, ज़रा मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब होते हैं ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मोलैरिटी के लिए हमें 1 dm³ चाहिए होगा सॉल्यूशन, तो 1 dm³ ऑफ वाटर जो है वो 1 kg के इक्वल होता है, क्योंकि इसके अप्रॉक्सीमेट जो डेंसिटी है वो 1 g/cm³ होती है। तो 1 dm³ को 1 kg पुट करें, 1 kg को हमने जब भी मोल्स फाइंड करने होते हैं, मास जो है वो ग्राम में हमें चाहिए होता है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams। 1000 को उसके मोलर मास 18 पे डिवाइड कर दो, तो 55.5 इसके मोल्स हैं, चूँकि ये 1 dm³ में होते हैं, तो यही इसकी मोलैरिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, मास ऑफ यूरिया इन 100 g ऑफ वाटर इन 0.3 मोलर सोल्यूशन इज 6 g, 1.8 g, 18 g, 60 g। तो नॉर्मली देखा गया है कि आप लोग कैलकुलेशंस के हवाले से बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इनके लिए कोशिश करें कि आपको इनके जो फार्मूलाज हैं वो याद होंगे, तो फिर आप ये विदाउट कैलकुलेशन भी इनको ये आप कर सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ हिंट के तौर पर लिखा है कि फार्मूला इसका बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब उसकी मोलैरिटी कितनी है वो है 0.3, यहाँ पुट कर दें। मोलर मास ये आपको तमाम याद होना चाहिए, यूरिया 60 g/mol, ग्लूकोज 180 g/mol, और सुक्रोज जो है वो 342 g/mol, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 g, ये सब याद होंगे, तो फिर आप ये थोड़ी देर में ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 g इसमें जो दिया गया है वाटर जो सॉल्वेंट है वो 100 g है। अब 100 को 1000 पे डिवाइड कर दें, तो ये
केजी में बन जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 0.1 दिस इज़ इक्वल टू 1.8 ग्राम। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम से क्यों मोलैरिटी ऑफ 4% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaOH विल बी, तो 0.5 वन मोलर, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर। इसको भी एक आसान सा फार्मूला जो है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि जब भी आपने परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपको गिवन हो, मोलैरिटी बनानी हो, तो मोलैरिटी का फार्मूला उस परसेंटेज को यहाँ लिखें, 10 से मल्टीप्लाई करना है, बटे में आपने मोलर मास लिख देना है। सो 4% वेट बाई वेट गिवन था मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड NaOH हैज़ द मोलर मास 40, सो दिस इज इक्वल टू 1 मोलर। सो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सम मोर कैलकुलेशन रिलेटिंग टू मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हिच इज 36% वेट बाई वेट हैविंग डेंसिटी 1.19 ग्राम पर cm³ इज, ये इसके ऑप्शन गिवन हैं। तो वही फार्मूला जो आपने पहले यूज़ किया उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो ये हैं कि आपने यहाँ पर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज जो वेट बाई वेट है मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 ओवर मोलर मास। तो 36% आपने यहाँ लिख दें, मल्टीप्लाई करें उसकी डेंसिटी से 10 से, और HCl इज इक्वल टू उसका मोलर मास 36.5, तो दिस आंसर इज 11.73 मोलर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ परसेंटेज वेट बाई वेट वी हैव टू फाइंड एंड मोलैरिटी इज गिवन 9.2 मोलर पर क्लोरिक एसिड HClO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.54 ग्राम पर cm³। तो इसका जो वे है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब आपको परसेंटेज वेट बाई वेट फाइंड करना हो तो मोलैरिटी यहाँ पर मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करें, अब डिवाइड कर दें डेंसिटी को, साथ आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। मोलैरिटी आपको गिवन है 9.2, HClO4 का मोलर मास 100.5 ग्राम पर मोल होता है, डेंसिटी गिवन है 1.54 मल्टीप्लाई 10, तो 60.04% बनता है। अगर यहाँ पर आपको वाटर की परसेंटेज पूछ ले तो आपने 100 में से ये चीज़ माइनस कर देनी है, तो HClO4 की परसेंटेज वेट बाई वेट यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, अ सॉल्यूशन हैविंग ग्लूकोज इज 10% वेट बाई वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच इट्स 1 ग्राम मोल इज डिजॉल्व विल बी। ये जो 1 ग्राम मोल है ना, ये 1 मोल ही है, और इसके अलावा इस मोल के 4 नेम्स आपको याद होने चाहिए। ये 1 ग्राम एटम भी हो सकता है, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये 1 ग्राम फार्मूला भी हो सकता है, ये 1 ग्राम आयन भी हो सकता है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये 1 ग्राम मोल भी 1 मोल ही है, तो ये ऑप्शन गिवन है। 10% वेट बाई वॉल्यूम को जहन में रखें, ग्लूकोज के लिए 1 मोल। तो इसको भी हमने रिलेट किया है एक फार्मूले की हेल्प से, और वो फार्मूला है कि जब वॉल्यूम आपसे पूछा जाए DM³ में और वो चीज़ 1 मोल है, तो फिर आपने वो जो गिवन परसेंटेज है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, 1000 पे डिवाइड कर दें। 10% वेट बाई वॉल्यूम था, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1.8 DM³। यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। When 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व पर 500 cm³ ऑफ वाटर देन मोलैरिटी इज 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर, 0.2 मोलर। तो अगर आपको इनके बेसिक जो मोलर मैसेज हैं अगर वो याद हैं तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इनको सॉल्व करने का। यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है, तो अब 60 ग्राम यूरिया अगर डिज़ाल्व करते आप 1 DM³ टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनता है, यानी 1000 cm³, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 मोलर।
अगर आपको 30 ग्राम गिवन है तो 60 से देखें कि 30 कैसे बना, डिवाइड बाई 2 करके इसका वॉल्यूम भी 2 पे डिवाइड कर दें तो ये भी 1 मोलर होगा। इसको फर्दर हाफ कर दें, 15 ग्राम कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड करके 250 कर दें, फिर भी 1 मोलर। इसको आप 10 पे डिवाइड करके 6 कर लें, इसको भी 10 पे डिवाइड करके 100 कर लें, तो 6 ग्राम यूरिया 100 सीएम क्यूब में, वो भी 1 मोलर होगा। तो ये एक बड़ा सिंपलेस्ट वे है आपको डायरेक्ट मोलैरिटी बताने का। तो ये 1 मोलर ये सॉल्यूशन होगा, इसकी मोलैरिटी 1 होगी, ये है ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज़ करेक्ट। Which of the following is more dilute solution in water? Dilute or concentrated solution को check करने के लिए we have to see the amounts of solute as well as solvent. अगर solvent का mass same given है तो फिर हम focus करेंगे सिर्फ solute को। अब इसमें water है तमाम में options में, लिहाजा water को ignore करें, सिर्फ और सिर्फ आपने solute को focus करना है। तो 1 molar सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है एज़ कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 106 ग्राम आपने यूज़ किया है तो उसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने 1 डीएम क्यूब के इक्वल किया है, इसलिए यहाँ पर 1 डीएम क्यूब से आपका सॉल्वेंट जो है वो लेस यूज़ हुआ है, उसका वॉल्यूम कम यूज, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट के मैस ने भी तो वहाँ पर वॉल्यूम आपको पाइक किया है। लेकिन 1 मोलर सॉल्यूशन में आपको इसके 106 ग्राम प्लस 1 केजी वाटर आप लेते हैं, लिहाजा यहाँ पर मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये डिल्यूट है। लेकिन अब नॉर्मल सॉल्यूशन में इसके हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स देखने हैं तो ये 106 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 53 ग्राम्स इसके यूज़ हुए हैं नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, लिहाजा यहाँ पर सबसे कम इसका मैस यूज़ हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, और वो जो वॉल्यूम है जो सॉल्वेंट इसमें वो ज़्यादा यूज़ हुआ है, लिहाजा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा डिल्यूट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन के हवाले से ये दिए हुए हैं। ये आपने याद रखने हैं कि 1 मिलीग्राम सॉल्यूट होगा पर डीएम क्यूब या पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 1 पीपीएम होगा। और इसमें हम देखें तो ये माइक्रोग्राम है, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, तो ये पर केजी ऑफ सॉल्यूशन ये 1 पीपीबी होता है। 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम होते हैं, तो ये पर केजी हो तो ये 1 पीपीटी होता है। तो ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, लिहाजा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इनको आपने याद रखना है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रॉल्स लॉ इज़, रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, the vapor pressure of solvent in solution is equal to the product of vapor pressure of pure solvent and its mole fraction. One digit is used for solvent and two digit is used for solute. P naught means the vapor pressure of a substance that is solvent in pure state when no solute has been mixed in it. So this is the statement of Raoult's law. It is also correct. This is lowering of vapor pressure. Pure solvent has higher vapor pressure as compared to solution because when solute is added, some solute particles also occupy the surface and the tendency of vaporization is low. So solution has normally लो वेपर प्रेशर व नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड, सो दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
All the three statements are of Rawls law. These are correct. So all these expressions are of Rawls law. So D option is correct. Next MCQ, when the component A is more volatile than component B, then mathematical equation for Rawls law is. You should keep in mind that the more volatile component has higher vapor pressure as compared to non-volatile, or less volatile component. Here A is more volatile, so vapor pressure of A will be higher than that of B component. So आपने देखना है कि क्या higher value से lower value minus की गई. P not A has higher value than P not B, लिहाजा A option यहाँ से exclude कर दें. अब इन तीनों में हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस की गई है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जब ये पी नाट ए माइनस पी नाट बी हो तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होंगे, लिहाजा बी ऑप्शन भी यहाँ से निकाल दें. अब आपने देखना है कि यहाँ अगर पी नाट ए है, यहाँ एक्स ए है, तो यहाँ पर पी नाट बी होना चाहिए, पी नाट ए नहीं होना चाहिए, लिहाजा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इसका उलट अगर आ जाए कि B is more volatile than A component, तो फिर आपने इस तरह से ये more volatile को हमेशा यहाँ रखना है, less volatile को यहाँ रखना है. जो यहाँ पर component होगा उसी के मोल फ्रैक्शन यहाँ होंगे, और उसका जो दूसरा component है जो less volatile, उसका यहाँ पर pure state में vapor pressure आएगा. ये equation of straight line कहलाती है. इसमें ये जो टोटल वेपर प्रेशर है और ये जो मोल फ्रैक्शन होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं. ये वाली चीज़ जो है मैंने पेरेंथेसिस लिखी है स्मॉल ब्रैकेट्स में, ये स्लोप है और ये जो चीज़ है वो इंटरसेप्ट है. तो ये आपने सब याद रखना है. तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच वन इज ट्रू फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें नेचर ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाती हैं, यानी उनके प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स हैं उनमें और फोर्सेस की नेचर है, सॉल्यूशन के बनने के बाद सॉल्यूशन की हालत में उनकी फोर्सेस की नेचर और हो जाती है, और इनमें जो एंथैल्पी चेंजेस हैं वो ज़ीरो नहीं होती, वॉल्यूम चेंजेस ज़ीरो नहीं होती हैं. ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ये वॉन्ट हॉफ जो इक्वेशन है उसको ओबे नहीं करते. तो यहाँ पर ये रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट थी, ये इसको भी फॉलो नहीं कर रहे दोनों कंपोनेंट्स के हवाले से. जब इनको मिक्स किया तो एंथैल्पी चेंजेस भी ज़ीरो नहीं हैं, उनका वॉल्यूम भी उनके कंपोनेंट से कम या ज़्यादा हो सकता है, लिहाजा ऑल ऑप्शन जो हैं ये इनमें हो सकते हैं. तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है. विच पेयर ऑफ लिक्विड्स हैज़ टोटल वेपर प्रेशर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. कौन सा ऐसा पेयर है जिसका टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स प्योर स्टेट में अगर हों तो उनके इंटरमीडिएट होता है. ए ऑप्शन में एथेनॉल वाटर जो हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इनमें कुछ कंपोजिशन जो हैं वो वेरी हाई वेपर प्रेशर वाली होती हैं, एजियोट्रॉप बनाते हैं. जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये भी जहन में रखें. ये जो बी ऑप्शन है इसमें वाटर और नाइट्रिक एसिड हैं, ये मिनिमम वेपर प्रेशर वाले हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. वाटर और मेथानोल में ये वो इंटरमीडिएट वाली सिचुएशन जो है ना वो शो करते हैं. प्योर कंपोनेंट्स की नस्बत इनका जो मिक्सचर है वो इंटरमीडिएट वैल्यू शो करते हैं, ज़्यादा डेविएशन शो नहीं करते. जो डी ऑप्शन है इसमें पेरिडीन और एस्टिक एसिड हैं, ये भी मिनिमम वेपर प्रेशर शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, लिहाजा यहाँ से जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी शोन बाई विच सोल्यूशन. कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा. इसमें आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखना है. वो सोल्यूट्स जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. यहाँ पर यूरिया में आपने 0.1 मोलर यूज़ किया है, तो ये 6.02×10^23 डिवाइड बाई 10 होगा इसके जो पार्टिकल्स की तादाद होगी. KCl में ये डबल हो जाएंगे, ये जो
पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा के पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में। सी ऑप्शन में कैल्शियम क्लोराइड है, ये 3 times हो जाएंगे जो पार्टिकल्स हैं कैल्शियम आयन और सी एल नेगेटिव। और इस डी ऑप्शन में 4 times हो जाएंगे पार्टिकल्स ए एल 3 positive और 3 Cl नेगेटिव, ये 4 multiple हो जाएगा गिवन कंसंट्रेशन का। ये तीनों डिसोसिएशन शो करेंगे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स जो डिसोसिएशन में इनकी तादाद होगी वो ये AlCl3 के केस में होगी, लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच पेयर ऑफ लिक्विड्स में शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कि जो पॉजिटिव डेविएशन वो शो करते हैं जिनमें जो फोर्सेस हैं कंपोनेंट की निस्बत वो थोड़ी सी वीकर होती हैं, वहाँ थोड़ी सी रिपल्शन्स आ जाती हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जो एक्सपेक्टेड होता है रॉल्स लॉ के हवाले से। लिहाजा यहाँ पर जो वाटर और HBr है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा डिवेलप हो जाती हैं। बेंजीन और टॉलोइन ये इंटरमीडिएट जो वेपर प्रेशर शो करते हैं। मिथाइलल और कार्बन डाइसल, मिथाइल डाई मिथॉक्सी मिथेन को कहते हैं, तो ये और कार्बन डाइसल्फाइड ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इथाइलिन डाई ब्रोमाइड और प्रोपाइलिन डाई ब्रोमाइड ये भी इंटरमीडिएट टाइप की जो वेपर प्रेशर है वो शो करते हैं। तो हमें पॉजिटिव डेविएशन पूछा गया था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ विच इज़ ट्रू फॉर हेनरीज़ लॉ, हेनरीज़ लॉ के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। क्या हेनरीज़ लॉ में डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाई इट, क्या ये गैसेज की डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटीज़ इन लिक्विड्स को कंट्रोल करता है। हाँ, ये गैसेज की डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटीज़ को कंट्रोल करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अबव लिक्विड, ये बात भी ठीक है। हेनरीज़ लॉ का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तीनों बातें आपने याद रखनी हेनरीज़ लॉ के हवाले से। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हेनरीज़ लॉ इज़ ओबेड ओनली व्हेन, हेनरीज़ लॉ कब ओबे होता है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो हेनरीज़ लॉ के लिए ज़रूरी हैं। याद रखें उस गैस का कोई केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखें इसकी कंडीशन है। वो गैस सॉल्वेंट में जाकर फर्दर सिंपलर पार्टिकल्स में डिसोसिएट ना हो, कोई डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। गैस जो है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल भी ना हो, हाईली सॉल्युबल भी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ये ओबे होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि प्रेशर भी ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टम्परेचर भी ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए हेनरीज़ लॉ के लिए। तो ऑल ऑफ दीज वाला ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी कहते हैं, ये किस मिक्सचर के लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रखें कि ये जो मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन है इसमें 49.1 degrees C होता है, वाटर फिनोल में 65.9 degrees C होता है, एनिलीन हेक्सेन में 59.6 होता है और वाटर एनिलीन में 167 degrees C होता है। ये कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच वन शोज़ डिसकॉन्टीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, कौन सा है जिसकी सॉल्युबिलिटी कर्व्स में सडन ब्रेक आ जाता है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 कर्व्स होती हैं। तो इसमें अपेरेंटली तो आपने शायद ये समझा हो कि जहाँ भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखें वो डिसकॉन्टीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसकी सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज़ होती है, लेकिन फिर जो है वो इसमें ब्रेक नहीं आता, सडन ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूटी कायम रहती है
फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, लिहाजा कैल्शियम सल्फेट कॉन्टीन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व शो करता है। इसमें डिसकॉन्टीन्यूस है और ये भी कॉन्टीन्यूस है। अब ये ऑप्शन बड़ा ख़तरनाक था कि आप ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर देते, लेकिन इसके बारे में याद रखना कि ये कॉन्टीन्यूस शो करता, लिहाजा ओनली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन आयन हैज़ हायर वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सा आयन है जिस जो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी शो करेगा, यानी आप वन मोल इस गैसियस आयन को डिज़ाल्व करते हैं वाटर में इनफिनाइट डिल्यूशन तक, तो उसमें से कितनी एनर्जी इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है। तो अक्सर इसमें इवॉल्व ही होती है, तो नेगेटिव साइन होता है। इसमें अब आपने देखना होता है कि चार्ज कितना है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी मैग्नीट्यूड, और इन पर तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के हवाले से इक्वल हैं। फिर अब हमारा ये ज़्यादा जो डिसीजन देखा गया है कि वो साइज़ पे है। अगर चार्जेस डिफरेंट होते तो फिर वहाँ पर चार्जेस को देखते किसका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, उसका साइज़ स्मॉल हो गया है। अब साइज़ जो है यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज़ है इन ऑप्शंस में वो एच पॉजिटिव का हाइड्रोजन आयन का, लिहाजा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एप्सोम साल्ट, ये मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ एक्स कितना होगा, 6 होगा, 7, 2, 10, तो ये जो हाइड्रेट्स हैं इनकी वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ होते हैं, कॉपर सल्फेट है 5 हैं, बोरेक्स है तो 10 है, वाशिंग सोडा है तो 10 है, तो इस एप्सोम साल्ट में पता होना चाहिए कि 7 जो है वो H2O होते हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहलाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। MCQ, विच साल्ट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाई वाटर, के कौन सा ऐसा साल्ट है जो वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन शो नहीं करता। AlCl3, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, मैंने इनके केमिकल रिएक्शन जो हैं वो नीचे लिख दिए हैं। अब एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक वीक बेस बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, लिहाजा ये एक एसिडिक साल्ट है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज़ हायर दैन दैट ऑफ OH नेगेटिव आयन्स, तो जिस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो सोल्यूशन में फ्री फॉर्म में होगा, लिहाजा ओवरऑल नेचर ऑफ सोल्यूशन भी उस आयन की वजह से होगी, तो ये एक एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। इस अमोनियम क्लोराइड में देखें तो यहाँ भी आपको वीक बेस और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन आयन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये भी एसिडिक सोल्यूशन है। ये बेस और एसिड का बनना साल्ट से ये केमिकल रिएक्शन है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो गए हैं, ये पहला साल्ट भी, दूसरा, तीसरा साल्ट भी। देख सोडियम फॉस्फेट, इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एच पॉजिटिव आयन से, लिहाजा ये एक बेसिक साल्ट है और सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। लेकिन ये जो सोडियम सल्फेट है इसमें अगर हम देखें तो लिहाजा कोई एसिड, कोई बेस नहीं बना, कोई OH आयन, कोई एच पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा ये साल्ट जो है सोडियम सल्फेट ये हम कहेंगे हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुआ, लिहाजा सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये KCl और सोडियम सल्फेट, ये इन साल्ट्स को आप जहन में रखें जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। विच वन इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बड़ा सिंपल सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज, तो ये जहन में रखें कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसको एबलियोस्कोपी भी कहते हैं, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जिसको क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। तो ये सिंपल बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, विच इज़ द कंडीशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़,
मैंने कोशिश की है कि ऐसे एमसीक्यूज बनाऊं जिसमें जो पूरा कंसेप्ट है वो आप लोगों के सामने आ जाए, कहीं बार बार ज़्यादा एमसीक्यूज की फॉर्म में आप परेशान ना हों। एक ही एमसीक्यू में यानी तीन चार टाइप्स के एमसीक्यूज को वो सम अप किया गया है यहाँ पर। अब ये तीनों कंडीशन जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हैं, जहाँ पर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पर ऑब्ज़र्व होती हैं, यानी सोल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल हो, सोल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके आयंस ना बने, वो डिसोसिएशन शो ना करे, कोई एसोसिएशन शो ना करे, और सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादातर मोलर सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑल ऑफ दीज। विच वन विल शो मोर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वेपर प्रेशर में जो कमी है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पर हमने देखना है सिर्फ पार्टिकल्स की तादाद को, ओनली वी हैव टू सी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जब भी आपको कहीं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी टर्म्स नज़र आएँ, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ देखना होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। चूँकि यहाँ पर सॉल्वेंट तमाम में एक जैसा है, 1 kg 1 kg, लिहाजा वी हैव टू फोकस ऑन द गिवन मैस, और मैस में आगे हमने देखना है कि पार्टिकल्स कितने। बज़ाहिर तो मैस इसमें वेरिएशन है, ज़ाहिर है हर एक के डिफरेंट मैसेज, लेकिन हमने इनमें से इनके पार्टिकल्स बनाकर देखने हैं। आपने फौरन बेस की तरफ लौट जाना, बेस से मुराद मेरी ये होती है कि जो उनके एक्चुअल मोलर मैसेज हैं उनको देखें। यूरिया 60 ग्राम होता है, उसने 6 दिए हैं, अभी देख लें 60 से 6 कैसे बना, 10 पे डिवाइड करके, इसका मतलब है एवोगैड्रोज नंबर ओवर 10 इसके तादाद होगी। ग्लूकोज 180 होता है, क्या 10 पे डिवाइड करके, हाँ 18 भी उसी तरह आया है 10 पे डिवाइड करके, दोनों सेम हो गए। सुक्रोज 342 ग्राम पर मोल होता है, इसको भी 10 पे डिवाइड किया तो ये 34.2, दोनों तीनों में 0.11 मोल है। तो जब मोल्स एक जैसे होते हैं तो पार्टिकल्स की तादाद भी एक जैसी होती है, लिहाजा ये बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है जैसे सुक्रोज ज़्यादा वेपर प्रेशर में वो लोअरिंग का बायस बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स की तादाद तीनों में सेम है, लिहाजा ऑल विल शो सेम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0, 1, less than 1, greater than 1। तो सिंपल रिलेशनशिप इज देयर के डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, डेल्टा TB एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, KB एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, M मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो जब ये मोलैलिटी 1 होगी तो फिर डेल्टा TB जो है वो KB के इक्वल आ जाता है, लिहाजा यहाँ पर B ऑप्शन इज करेक्ट। विच सॉल्वेंट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट KF, वाटर, एस्टिक एसिड, बेंजीन, एथानोल। वाटर की KF वैल्यू जो है वो 1.86 होती है, एस्टिक एसिड 3.90 होता है, बेंजीन 5.12 और एथानोल 1.99। यहाँ से सबसे ज़्यादा वैल्यू ये आपने याद करनी है बेंजीन की है, लिहाजा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 molar ग्लूकोज सोल्यूशन फ्रीजेज एट -1.86°C, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 molar KCl एक्वस सोल्यूशन विल बी। अब ग्लूकोज में तो 1 molar में एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स थे, ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता था, लेकिन KCl में ये आयोनाइज हो जाएगा, ये डबल एवोगैड्रोज नंबर पार्टिकल्स बना देगा डिसोसिएट होकर, लिहाजा इस वैल्यू को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 12, 2 8 16 1 17 और 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट MCQ विच मैथड इज यूज टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके जो दो दो तीन तीन या चार चार मेथड्स हैं उन सब के नेम्स आपको आने चाहिए, कॉटरेल्स मेथड, पिनर एंड स्टेबन्स मेथड, बैकमैन मेथड, वॉकर एंड ऑस्टवाल्ड मेथड। तो इसमें जो पिनर एंड स्टेबन्स मेथड है, दिस मेथड इज यूज टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व बाई, ये फोर ऑप्शन आर गिवन। सो कीप इन माइंड दैट दो सोल्यूट्स विच आर नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो शो करते हैं नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, और वो तमाम सोल्यूट्स जो डिसोसिएट हो जाएं जाकर सॉल्वेंट में या एसोसिएट हो जाएं, इन दोनों सूरतों में वो नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं अब नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं। NaCl भी डिसोसिएट हो जाएगा, AlCl3 भी डिसोसिएट हो जाएगा, एसिटिक एसिड भी डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन ये ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ये सुक्रोज है, ये डिसोसिएट या एसोसिएट वाटर में नहीं होता, लिहाजा हमें इन मोलैलिटीज़ या मोलैरिटीज़ को देखे बगैर हम सोल्यूट की नेचर से हमें पता चल जाता है कि कौन नॉर्मल शो करेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कौन एबनॉर्मल कॉलीगेटिव पर, लिहाजा यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक और अहम MCQ है, द एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड टू पोटासियम आयोडाइड एक्वस सोल्यूशन विल काज, अब आप कोई भी सोल्यूट सोल्यूशन में डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में चेंजेस आती हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स में, फ्रीजिंग पॉइंट्स में, ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो यहाँ नो वाले तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, बाकी ये दो चीज़ें बच गई। अब आपने देखना है क्या ये नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है या कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला सोल्यूट है, तो ये जो दो चीज़ें जब हम ऐड करते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कम्प्लेक्स का नाम है K2HgI4, ये नेस्लर्स रिएजेंट कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखें कि जब भी एसोसिएशन होगी, पार्टिकल्स की तादाद जो है वो डिक्रीज़ होगी, तो उस सूरत हाल में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हैं ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, लिहाजा यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एन इम्पॉर्टेंट MCQ रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक विद 0.5 मोलर सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करें तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए, अगर वो सेम ना आए तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आइसोटोनिक के हवाले से सेम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो देखते हैं कि ये सुक्रोज नॉन वोलाटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हम देखते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन के बराबर किसकी कंसंट पार्टिकल्स की तादाद सेम होनी चाहिए, 0.25 मोलर ग्लूकोज, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन उसके बराबर इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। 0.5 उसके इक्वल तो है कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ KCl डिसोसिएट हो जाएगा, डबल पार्टिकल्स बना देगा, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। 0.05 मोलर है BaCl2, ये 3 times पार्टिकल्स हो जाएंगे इससे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0.15, ये भी उसके इक्वल नहीं है कंसंट्रेशन। अब इसमें देखें 0.125, ये AlCl3 डिसोसिएट होकर 4 times होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 आता है, लिहाजा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट MCQ, टू सॉल्यूशंस विल बी आइसोटोनिक इन नेचर इफ़, दो सॉल्यूशंस को कब आइसोटोनिक कहा जाएगा, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये याद रखें तीनों कंडीशंस ही आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की हैं, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, उनकी कंसंट्रेशंस सेम होनी चाहिए, उनके मोल्स पर वॉल्यूम की जो रेशियो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।